हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू फैक्ट टेक 14। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि फ्यूचर में जितने भी फैक्ट टेक 14 के नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल सके। तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक LED वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर की। तो जैसा आप देख सकते हैं मेरे सामने ये LED वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर का पैकेट है और जो कंपनी इस स्पीकर को बनाती है उस कंपनी का नाम है SHOPPOSTREET और जो मॉडल नंबर है इस प्रोडक्ट का वो है TAM 26। आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि वीडियो के दौरान मैं आपको इसके डिफरेंट फीचर्स बता सकूं और ये बाकी स्पीकर से कैसे डिफरेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये है हमारे स्पीकर का पैकेट। छोटा सा पैकेट है क्योंकि इसके अंदर जो स्पीकर है वो भी काफ़ी छोटा है और ये बहुत ही लाइट वेट स्पीकर है। तो चलिए अभी स्पीकर को खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो ये है हमारा स्पीकर। मैं स्पीकर को निकाल के साइड में रखता हूँ तो बाकी चीज़ें जो जो है वो मैं आपको दिखा सकूँ। तो इसके अंदर आपको बस दो केबल्स मिलते हैं। पहला जो है वो है आपका ऑक्स केबल, दूसरी जो चीज़ है वो है आपकी USB केबल। तो बस यही दो चीज़ें हैं। तो इसे हम साइड में रखते हैं और हमारे ब्लूटूथ स्पीकर को देखते हैं। सो दिस इज द ब्लूटूथ स्पीकर गाइज। ये है हमारा LED वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर। ये जो व्हाइट कलर का पार्ट आप देख रहे हैं दिस इज द LED पार्ट। ये जो ऊपर वाला पार्ट है दिस इज द स्पीकर पार्ट एंड दीज आर द डिफरेंट बटन्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट बटन्स यहाँ पर है। तो दिस इज द ऑन एंड ऑफ बटन। लेकिन इसे ऑन करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ दूसरी चीजें बता दूं। तो इट इज ए 3 वॉट स्टीरियो स्पीकर, यानी स्पीकर का जो पावर है वो 3 वॉट का है। तो 3 वॉट भले ही आपको ज्यादा ना लगे बट बिलीव मी गाइस, इसका जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप अकेले रहते हैं घर पे या फिर आपका छोटा सा परिवार है, छोटा सा घर है, तो ज्यादा पैसे खर्च करके होम थिएटर खरीदने से अच्छा है कि आप इस तरह के छोटे स्पीकर खरीद सके। बिकॉज दिस स्पीकर कैन प्रोवाइड यू द फुल एंटरटेनमेंट जब आप मूवी देखते हो या फिर म्यूजिक प्ले करते हो। तो दीज आर गुड स्पीकर क्योंकि आपके बजट में भी फिट हो जाएगा, ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अभी स्पीकर को मैं ऑन करता हूं और आपको इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में बताता हूं। तो जब आप ये स्पीकर ऑन करेंगे तो एक वॉइस असिस्टेंट मैसेज आपको आएगा। तो क्या है वो वॉइस असिस्टेंट मैसेज मैं आपको दिखाता हूं। तो दिस इज द ऑन बटन। वेलकम टू RS म्यूजिक वर्ल्ड, द ब्लूटूथ डिवाइस इज रेडी टू कनेक्ट। तो जैसा आप देख सकते हैं जब आपने इसे ऑन किया तो द LED लाइट स्टार्टेड ग्लोइंग और जो मैसेज था वो था कि द ब्लूटूथ डिवाइस इज रेडी टू कनेक्ट, यानी इसका ब्लूटूथ ऑन हो चुका है। अब अगर आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल है तो आप वहां पर ब्लूटूथ ऑन कीजिए, उसके बाद बोथ ऑफ द ब्लूटूथ विल बी कनेक्टेड। तो मेरे पास लैपटॉप है, मैं अभी ऑन कर रहा हूं। द ब्लूटूथ डिवाइस इज कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो अभी इसने कहा द ब्लूटूथ डिवाइस हैज बीन कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो मैंने जैसे ही लैपटॉप का ब्लूटूथ ऑन किया तो इट इज नाउ कनेक्टेड। तो अभी मैं आपको एक म्यूजिक प्ले करके सुनाता हूं इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा 3 वॉट का स्पीकर भी, 3 वॉट का स्पीकर जो है इट इज ऑल्सो क्वाइट पावरफुल। तो जैसा आपने देखा दोस्तों जो 3 वॉट का स्पीकर है, तो मैंने ब्लूटूथ ऑफ कर दिया इसीलिए इसने कहा द ब्लूटूथ डिवाइस इज रेडी टू पेयर। हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था तो आपने देखा कि 3 वॉट का जो स्पीकर है दैट इज ऑल्सो क्वाइट गुड। तो इसका सिर्फ जो गाना बजता है वो ब्लूटूथ से ही नहीं बजता है, देर आर 3 मोर ऑप्शन टू प्ले। वो क्या क्या है? पहला है आपका USB 3.0 पोर्ट, यानी आप इसमें पेनड्राइव डालकर भी डायरेक्ट गाना प्ले कर सकते हैं। दूसरा है आपका माइक्रो SD कार्ड, यानी आप इसमें कार्ड डालकर भी डायरेक्ट गाना प्ले कर सकते हैं। तीसरा है आपका ऑक्स केबल, यानी आप डायरेक्टली ऑक्स केबल के थ्रू भी प्ले कर सकते हैं। और जैसा मैंने ब्लूटूथ से प्ले किया दैट इज द 4th ऑप्शन। तो हियर इट इज द चार्जिंग पॉइंट, DC 5 वोल्ट इनपुट यहाँ पर रहता है। तो आप जब भी गाना प्ले करें मेक श्योर आप इसे 1 घंटा फुल चार्ज कर दें। तो क्योंकि अगर ये 1 घंटे से फुल चार्ज हो गया तो आप अनइंटरप्टेड 3 से 4 घंटा आराम से प्ले कर सकते हैं। और आप जानेंगे कैसे ये फुल चार्ज हो गया कि नहीं, इसका भी एक
बहुत ही अच्छा ऑप्शन है वो क्या है कि जब आप ब्लूटूथ ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्लूटूथ का सिंबल रहेगा लैपटॉप में या फिर मोबाइल में, उसके साइड में आपको दिखा देगा कि हाउ मच परसेंटेज इट हैज चार्ज और कितना परसेंट है इसको चार्ज करने में। तो वो एक ऑप्शन है। या फिर दूसरा ऑप्शन आपका ये है, तो यहाँ पर एक LED लाइट ग्लो होगा जब आप इसे चार्ज करेंगे, इट विल बी रेड कलर जब ये चार्ज हो रहा होगा, जब ये ब्लू कलर का हो जाए तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि चार्ज हो चुका है। तो दिस इज द स्पीकर। तो अब मैं आपको इसकी दूसरी खासियत बताता हूं। ये बस स्पीकर नहीं है, ये आपका FM भी प्ले करता है, यानी आपका रेडियो भी इसमें प्ले हो सकता है। वो कैसे होगा, तो यू कैन सी देयर आर डिफरेंट मोड्स हियर। तो यहाँ पर आपका मोड का बटन है, तो आप इसे दबाइए तो ऑटोमेटिकली आपका जो है रेडियो प्ले हो जाएगा। इसे आप दूसरी बार दबाओगे तो ऑक्स केबल का ऑप्शन आ जाएगा, तीसरी बार दबाने से वापस ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाएगा। तो पहले मैं दबाता हूँ रेडियो मोड क्योंकि अभी मेरे इनपुट मोड क्योंकि अभी मेरा रेडियो नहीं था, इसीलिए साउंड आपका ब्रिजलिंग साउंड आया था। दूसरी बार जब मैंने दबाया तो ऑक्स मोड के लिए आया, जब मैं तीसरी बार दबाऊंगा तो ये फिर से ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए बोलेगा। The Bluetooth device is ready to connect. क्योंकि मेरा अभी लैपटॉप में ब्लूटूथ ऑफ है, इसीलिए अभी गाना प्ले नहीं होगा। तो दीज आर द टू थिंग्स, या आपका ब्लूटूथ स्पीकर भी है, आप इससे रेडियो भी प्ले कर सकते हैं, और इसके अंदर रिचार्जेबल बैटरीज आता है। जैसे मैंने कहा, एक घंटे तक चार्ज कर दी, इट विल टेक अराउंड 1 आवर हार्डली टू फुल्ली चार्ज, उसके बाद 3 से 4 घंटा आपका अनइंटरप्टेड आप इसे प्ले कर सकते हैं। दीज आर द टू फीचर्स। अब तीसरा फीचर जो कि इंटरेस्टिंग फीचर है वो है आपका कि दिस ब्लूटूथ डिवाइस कैन ऑल्सो बी यूज एज ए टेबल लैम्प। जी हाँ दोस्तों, जब यहाँ पर गाना प्ले ना हो रहा हो या फिर गाना प्ले भी हो रहा हो, आपकी मर्जी, तो आप इसे टेबल लैम्प की तरह यूज भी कर सकते। तो आप अभी बोलेंगे सो दिस इज द LED पार्ट, ये तो ग्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली टेबल लैम्प के जैसा यूज हो सकता है, लेकिन इसकी एक खासियत है, ये इसका पहला लाइट है। तो ये जो ऊपर का पार्ट देख रहे हो ये आपका टच सेंसिटिव पार्ट है, यानी जब आप इसमें ऐसे टच करोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा लाइट ग्लो होगा, जब आप तीसरी बार ग्लो टच करोगे तो तीसरा लाइट ग्लो होगा। मैं आपको दिखाता हूं। So when you touch the above part, you can see दूसरा लाइट ग्लो हो गया, बंद हो गया। तो when you touch it, dim light, medium light, then maximum light. तो आप देख सकते हैं this is the light. मैं आपको अभी लाइट ऑफ करके दिखाता हूं ये कितना लाइट प्रोड्यूस करता है। So as you can see this is the LED. तो बंद हो गया, this is the second light, this is the third light. यानी तीन लाइट आपका ये प्रोड्यूस करते हैं। बस इतनी ही खासियत नहीं है दोस्तों, आप इसको पार्टी लैंप के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। पार्टी लैंप का मतलब क्या रहता है आपका, रुकिए मैं लाइट ऑन कर देता हूं। तो पार्टी लैंप का मतलब आपका क्या रहता है कि इसमें डिफरेंट लाइट्स भी ग्लो होते हैं। वो कैसे ग्लो होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। तो जैसे मैंने कहा कि ये टच सेंसिटिव है, आप यहां पर लॉन्ग प्रेस कीजिए एंड यू कैन सी अ डिफरेंट लाइट, राइट। तो इसमें आपको 6 लाइट्स मिलेंगे। तो मैं इसे एक बार फिर से दबाता हूं, तो दिस इज द फर्स्ट लाइट। मैं लाइट बंद करके आपको अभी दिखाता हूं फिर से। सो दिस यू कैन सी गाइज, इट इज रियली कूल। तो दिस इज द रेड लाइट, जब आप इसे वापस दबाओगे दिस इज ब्लू लाइट, फिर से दबाइए ऊपर, दिस इज ग्रीन लाइट, फिर से दबाइए, दिस इज व्हाइट लाइट, फिर से दबाइए, दिस इज स्काई कलर लाइट, फिर से दबाइए, दिस इज पिंक कलर लाइट। तो 6 लाइट्स आपका ग्लो होता है। तो इसके बाद जब मैं दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली सब लाइट धीरे धीरे ग्लो होना शुरू कर देंगे। जैसे आपका जो लीचू लाइट बोलते हैं जो दिवाली के दौरान लगाते हैं, ऑटोमेटिकली ग्लो करते हैं, सिमिलर। तो देखिए इट स्टार्टेड ग्लोइंग, ये अपने आप डिफरेंट 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 लाइट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैं जब इसे वापस फिर से दबाऊंगा तो इट विल स्टार्ट ग्लोइंग जो आपके डिफरेंट लाइट्स है बहुत ही स्पीड से। So isn't it cool? ये बहुत ही शानदार है। तो अभी आप मैं इसे फिर से दबाता हूँ, और अगर मैं इसे फिर से लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो मून लाइट। तो फिर से दबाइए, थोड़ा लो, फिर से दबाइए और थोड़ा लो, फिर से दबाइए, बंद। तो मैं इसे फिर से ऑन करता हूँ, दिस इज द फर्स्ट लाइट मून लाइट, दिस इज द मीडियम मून लाइट, दिस इज द हाइएस्ट मून लाइट, यानी ये आपका टेबल लैम्प की तरह यूज हो सकता है। जब आप इसमें लॉन्ग प्रेस करके दबाएंगे देन डिफरेंट लाइट्स कम्स। तो फिर आप इसे एक बार टच कीजिए तो एक एक लाइट आपका आएगा, फिर से आप टच कीजिए तो इट स्टार्ट्स ग्लोइंग डिफरेंट लाइट्स। इजंट इट कूल दोस्तों? तो मैं अभी इसे बंद करता हूं।
और अपना लाइट ऑन करता हूं, तो एज यू कैन सी दिस इज द ब्लूटूथ स्पीकर। और इसकी बस इतनी ही खासियत नहीं है, इसे आप वॉल हैंगिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं। जब आप इसमें पीछे करते हैं तो यू कैन सी देयर इज ए हुक जिसे आप सीलिंग में लगा सकते हैं एंड यू कैन यूज इट एज ए सीलिंग लाइट ऑल्सो। तो जैसा मैंने कहा दोस्तों, आप इसे सीलिंग लाइट की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसे आप हुक में लगा के सीलिंग में लगाइए एंड देन यू कैन स्विच ऑन द लाइट्स, आपको जो भी लाइट चाहिए, चाहे वो मून लाइट हो या फिर आपका डिफरेंट पार्टी लाइट हो। तो मैं एक बार फिर से इसे लाइट को ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज द पार्ट, हुक का पार्ट है, आप इसे ऊपर लगाइए एंड देन यू कैन यूज इट एज सीलिंग लाइट। तो इस तरह के लाइट के साथ आप गाना भी प्ले कर सकते हैं, तो यू कैन सी, सो दिस इज द लाइट। तो जैसा आपने देखा दोस्तों, इट कैन बी यूज्ड एज ए पार्टी लाइट, आप गाना भी प्ले कर सकते हैं इसमें एंड मजे भी ले सकते हैं। मैं पहले इसे ऑफ कर देता हूं, दिस इज स्विच्ड ऑफ। तो जैसा आपने देखा, ये आपका मल्टी फंक्शनल एलईडी स्पीकर है। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से जाकर इसे खरीद सकते हैं। तो अल्टीमेटली दिस इज ए मल्टी फंक्शनल स्पीकर, इसके अंदर आप वायरलेस स्पीकर की तरह इसे यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज ए म्यूजिक प्लेयर, इट कैन बी यूज्ड एज ए टेबल लैंप, इट कैन बी यूज्ड एज ए हैंगिंग लाइट। इसकी जो दूसरी खासियत है वो है इट हैज नॉइज कैंसलेशन सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये है कि जब आपका फोन इसके साथ कनेक्टेड हो ब्लूटूथ से, तो जब आपको कॉल आएगा तो यू कैन डायरेक्टली आंसर फ्रॉम हियर, आप यहां पर दबा सकते हैं बीच वाला बटन, देन यू कैन आंसर द कॉल। अगर आप इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप हैंग अप भी कर सकते हैं फोन को, तो आप यहां से बात भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें नॉइस कैंसिलेशन सॉफ्टवेयर यूज होता है, इसलिए जो क्लैरिटी रहता है बात करने का वो भी बहुत ही क्लियर रहता है। तो अल्टीमेटली दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट सेक्शन में डालिए। जैसा मैंने कहा, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर उसे क्लिक करके वहां से इसे खरीद भी सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं अलविदा कहना चाहता हूं आपसे अगले वीडियो तक के लिए। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।